राम मंदिर प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के बाद अब लोग राम मंदिर पर जारी डाक टिकट खरीदने कानपुर के डाकघर में पहुंच रहे हैं। राम जन्मभूमि पर जारी डाक टिकट में केवट प्रसंग, शबरी प्रसंग, जटायु संकट मोचन, हनुमान जी और वक्रतुंड लंबोदर गणेश जी भी अंकित हैं। कानपुर से राम मंदिर जाने की योजना बनाने वाले डाक विभाग से जारी इस डाक टिकट को लेने के लिए कानपुर के बड़े डाकघर पहुंचकर डाक टिकट खरीद रहे हैं। डिप्टी डाक कलेक्टर नागेंद्र सचान ने बताया, अभी तक कुल 102 डाक टिकट की बिक्री की जा चुकी है। अभी राम जन्मभूमि पर जारी डाक टिकट और भी अधिक संख्या में आने हैं। इस कारण से अभी मात्र 100 रुपए लेकर केवल 2 टिकट एक व्यक्ति को उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। जैसे ही और टिकट आ जाएंगे, प्रति व्यक्ति इनकी संख्या भी बढ़ा दी जाएगी। लोगों से अपील है कि डाक टिकट लेने वाले अपना आधार कार्ड अवश्य लाएं। अरे राम जन्मभूमि पे टिकट बना है और राम जन्मभूमि के प्रति लोगों का पहले से ही लगाव रहा है, आकर्षण रहा है, तो अब उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई, लोगों की बड़ी आस्था थी कि वहाँ पे मंदिर बन जाए। मंदिर बना तो लोगों में उत्साह है कि भाई उनकी इतनी साल की प्रतीक्षा से जो है उनको मतलब कुछ मिला, इसलिए लोगों में उत्साह है। किस हिसाब से बिक्री हो रही है? बिक्री अभी तक हमारे 102 टिकट बिक चुके हैं अभी तक। क्या नियमावली है इसकी? नियमावली एक आदमी ज़्यादा से ज़्यादा 2 टिकट ले सकता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में टिकट पहुंच जाए। हम टिकट लेने आए थे, हमारी आस्था है श्री राम मंदिर बना, ठीक, और लोगों से जागरूक कर तो और भी लोग जुड़े, हम इसके मेंबर बनना चाहते हैं। आज आए थे भगवान श्री राम की टिकट लेने, मंदिर बनने की बहुत खुशी है, इसलिए इसकी यादगार में हम ये टिकट लेके रखेंगे अपने यहाँ और हम मंदिर जा भी रहे हैं। कितनी टिकट लेने आए थे? कितनी आए थे? तो हम 5-6 टिकट लेने थे, लेकिन हमको दी नहीं गई, सिर्फ 2 टिकट दी गई। क्या कहना है? नहीं क्या कहना है, वो लोग कह रहे हैं कि अब 2 के ज़्यादा दे नहीं सकते हम। क्या कीमत है इसकी? इसकी कीमत है 1 टिकट की 100 रुपये की कीमत है, हमने 2 लिए, हमें 200 रुपये पड़े हैं। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए कानपुर नगर से संवाददाता प्रवीण सिंह चंदेल की रिपोर्ट।